स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट बट बिफोर दैट यू मस्ट गेट एक्वेंटेड विद द टॉपिक मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास आप लोगों को पहले आना चाहिए ये टॉपिक समझने से पहले तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ मोल कॉन्सेप्ट मोलिकुलर मास आप लोग देख के रखना उसमें तो मोल क्या है मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जैसे हम मास के बारे में बात करते हैं कि मॉस इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंटेंड इन अ बॉडी सेम वे हमारे पास मोल होता है केमिस्ट्री में फॉर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस तो मोल एग्जैक्टली क्या है अगर मैं इसको बहुत डिटेल में ना देखूं तो वट इज मोल मोल इज अ कलेक्शन ऑफ दिस मच ऑफ पार्टिकल्स एंड इन केमिस्ट्री वट पार्टिकल्स डू वी हैव इधर वी हैव एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन सो कलेक्शन ऑफ दिस काइंड दिस अमाउंट ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कंसिडर्ड एज वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, सो मोल बेसिकली क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है <coughs> जैसे मास को हम लेते हैं कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मटीरियल कंटेंड इन अ बॉडी वैसे ही कितना सब्सटेंस, कितना अमाउंट हमारे पास कुछ एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का है तो उसको मेजर करने के लिए हम मोल की बात करते हैं और सिंप्लीफाइड और वर्जन में अगर तुम्हें दिखाऊं कि मोल क्या है तो मोल को हम डजन से र, र, रिलेट कर सकते हैं लाइक इन वन डजन वी कंसिडर ट्वेल्व आइटम्स ऑफ एनी थिंग बी इट पेन पेंसिल कॉपीज योर पाउचे योर बैग्स योर फ्रूट्स वट एवर वी वी कॉल ऑफ तो वन डजन मीन्स ट्वेल्व आइटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एंड इफ यू रिलेट दैट नंबर ऑफ आइटम्स एंड डजन विद मास ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम सो दैट बिकम्स वन इक्वेशन मीन्स दीज थ्री थिंग्स आर इक्वल So let us understand this topic with an example. This equation with an example. Why this is equation? Because the things written on the left and right side of equal, both side, that are equal. So these, this is, this is, this can be written as this is dozen equation. This is a simple topic. This is a, a simple uh, thing to just memorize the concept. So let us extend this dozen wala concept to some. Other thing like if we consider one dozen of oranges, so what does that means? ki one dozen of oranges means we have twelve oranges in amount in number. And let us say that twelve oranges weigh three kilograms. Suppose ki that oranges weigh three kilograms. If we consider one dozen of pens, that means we have twelve pens. This means we have twelve pens that if one pen is of 10 grams suppose then all 12 pens weigh 120 grams so this is how we can relate number of dozens with number of pens and the weight of and the mass of pens if i double this amount if i say we have 2 dozens of pens then i i will be having 24 pens and mass will also get doubled if i say i have half dozen of pen one and a half dozen of pen pen that means i have six pens only and their mass will be सिक्सटी grams. so likewise we use this dozens dozen uh, वाला concept and extend it to मोल कि मोल क्या होता है अब डेली लाइफ में हम डजन की बात करते हैं पर केमिस्ट्री में हम उस डजन के लिए हम डजन uh, को ही हम रिप्लेस कर देते हैं बाय मोल से एक तरह से तो समझने के लिए हम डजन से स्टार्ट करते हैं बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमारा मोल है तो अब हम मोल के ऊपर आते हैं जैसे डजन में हमने नंबर और मास को इक्वेट किया है लाइकवाइज वी आर रिलेटिंग द मोल विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच पार्टिकल्स इन केमिस्ट्री वी हैव ईदर एटम्स मोलिक्यूल्स और आयन्स एंड देयर मास जो भी हम लेंगे एटम्स लेंगे तो एटम के मास की बात करेंगे मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे और अब वहाँ पे जो हम मास ले रहे हैं वो U की टर्म्स में हम नहीं लेंगे वो हम ग्राम की टर्म्स में लेंगे तो मास ऑफ एटम विल बी ग्राम एटॉमिक मास और मास ऑफ मॉलिक्यूल विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास सो लेट अस सी दिस एग्जांपल सी दिस इक्वेशन दिस मोल इक्वेशन दिस इज कॉल्ड एज मोल इक्वेशन मोल इक्वेशन इज बेसिकली आर रिलेशन बिटवीन थ्री थिंग्स वट थ्री थिंग्स वी हैव नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द मास विच दिस पार्टिकल्स विल पोजेस तो सपोज करते हैं हम कि हमने कंसिडर किया वन मोल ऑफ सोडियम एटम्स हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो बहुत सारे एटम्स हैं उन्हीं एटम्स से कंबाइन होकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन हैं तो हम कुछ एग्जाम्पल्स इसमें से कंसिडर कर रहे हैं लेट अस एज्यूम दैट वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम एटम तो सोडियम के एटम का वन मोल इज इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्ट हाउ मच हाउ हाउ मेनी पार्टिकल्स सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टेन रेज टू पार ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ सोडियम जैसे मैंने वन डजन का वन डजन का बोला तो वन डजन में बारह यूनिट्स होंगी सिमिलरली वन मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे ही होंगे अब वन वो जो डजन है वो आप पेन लो चाहे ऑरेंज लो चाहे बैग्स लो चाहे पर्सेज लो चाहे पाउच लो ट्वेल्व यूनिट्स होंगी ही होंगी बट उनका मास क्या होगा डिपेंड करेगा क्वांटिटी डिपेंड uh, करेगा चीज़ों के ऊपर फिक्स क्या रहेगा ये ट्वेल्व नंबर सिमिलरली वन मोल किसी भी चीज़ का मैं लिखूं चाहे मैं एटम्स का लिखूं चाहे मैं कोई भी मॉलिक्यूल लिखूं नंबर ये सेम रहेगा यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होती जाएंगी नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे सोडियम लिया है तो ये नंबर ऑफ़ एटम सोडियम के हो गए यहाँ मैंने लिखा वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड तो यहाँ पर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स हो गया क्योंकि ये एटम था ये क्या बन गया मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो मास भी किसका लिया जाएगा सोडियम का लिया जाएगा सोडियम्स मास इज ट्वेंटी थ्री यू नाउ दिस मास इज टू बी टेकन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स सो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विच विल बी ट्वेंटी थ्री ग्राम्स लाइक वाइज फॉर एन ए सी एल वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ एन ए सी एल दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास add up the mass of sodium and chlorine sodium's mass is 23 atomic mass is 23 chlorine's mass is 35.5 in terms of simple molecular mass we have u with it but we have to take gram molecular mass gram molecular mass means replace this u by g the mass of an of an element or an atom or compound or molecular compound in terms of gram is gram atomic or gram molecular mass so mass of sodium chloride is 58.5 वट एवर थिंग्स यू आर टेकिंग वट एवर स्पीचिज यू आर टेकिंग तो उसी का ही हम नंबर लिखेंगे और उसी के ही हम मास की बात करेंगे जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं अगर मैं ऑरेंजेस की बात कर रही हूँ तो मेरे को ट्वेल्व ही ऑरेंज लेने हैं और उसी का मास लेना है दिस मास मे गेट चेंज फ्रॉम स्पीचिस टू स्पीसीज थिंग्स टू थिंग्स आइटम्स टू आइटम्स बट दिस नंबर ऑफ क्वान्टिटीज रिमेन सेम फॉर अ पर्टिकुलर डजन ऑफ हाफ डजन तो दोनों के लिए छः हो जाएगा तीन डजन तो दोनों के लिए थर्टी सिक्स हो जाएगा मास चेंज हो जाएगा लाइक वाइस हेयर ऑल्सो यू कैन सी वन मोल मीन्स इतने आइटम होंगे ही होंगे चाहे वो एटम है चाहे वो मॉलिक्यूल है अब क्या लिया आपने एटम लिया या मॉलिक्यूल लिया उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर मास चेंज हो जाएगा लेटस सी वन मोर एग्जाम्पल वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वन मोल ऑफ ऑक्सीजन ऐटम्स मीन्स हाउ मेनी ऐटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन टू भी टेकन दिस मच एंड और इन ऐटम्स को कलेक्टिवली अगर हम रखें तो उसका मास कितना होगा ग्राम अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होगा और ऑक्सीजन का मास कितना होता है सिक्सटीन यू इन टर्म्स ऑफ ग्राम इट विल भी सिक्सटीन ग्राम्स नाउ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस वेन एवर ऑक्सीजन गैस इज रिटर्न यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ओ टू और ओ टू ओ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मे बी ऑल्सो गिवन टू यू इन क्वेश्चन यू हैव टू योर सेल्फ अंडरस्टैंड दैट इट इज ओ टू इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन ओनली ओ ओ की बजाय ओ टू होगा ये तो यहां पर क्या होगा वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे नाउ दिस वॉज एटम बिकॉज इट वॉज ओनली ओ बट हेयर वी हैव टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन केमिकली बॉन्डेड टुगेदर सो दिस इज मॉलिक्यूल तो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और यू कैन राइट oxygen gas or you can write oxygen molecule so since this is molecule so have we have to take the molecular mass in terms of grams that is gram molecular mass of oxygen mass of one atom of oxygen is 16 we are having two atoms so mass will be doubled that is equal to 32 grams so now these were all the examples for understanding basic concept of mole and this can be टर्म्ड एज मोल इक्वेशन की मोल इक्वेशन इज अक्वेशन विच रिलेट्स नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द रिस्पेक्टिव मास एंड दिस ग्रैम अटोमिक मास और ग्रैम मोलिक्यूलर मास कैन बी टर्म्ड एज मोलर मास मास ऑफ वन मोल कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज मोलर मास एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वन मोल वन मोल मीन्स वन मोल के मास को हम ग्रैम अटोमिक मास से भी रिलेट कर सकते हैं मोलिक्यूल है तो ग्रैम मोलिकुलर मास होगा और इसी ग्राम एटॉमिक मास या इसी ग्राम मोलिकुलर मास को हम मोलर मास भी कहते हैं अब मोल मोलर मोलर इक्वेशन जो है मोल इक्वेशन जो है उसको हम एक सिंपलीफाइड वर्जन में रखते हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं बट वो यूनिटरी मेथड आप लोगों ने नहीं कर रखा तो उसको हम छोड़ देते हैं मैथ्स में तो ये आपका है सिंपल मोल इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मोलर मास इज वॉट जी एम और जी एम एम दिस मे बी गिवन टू यू और यू हैव टू कैलकुलेट मीन्स इफ दिस टू इक्वेशंस आर टू बी यूज देन आउट ऑफ दीज टू वन मस्ट बी नोन टू यू वन इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एंड अदर अन नोन इज टू बी कैलकुलेटेड दिस इज नोन टू यू दिस इज दिस शुड बी प्रॉपरली क्रैम्ड बाई यू पीपल ये आपको रट जाना चाहिए मासिस क्या हैं के or n is the number of particles and n naught is a special number that is 6.022 into 10 raised to power 23 which is represented by letter n naught. This is termed as n naught, not for 0, n naught and this number is called as Avogadro's number. This number is actually a constant of proportionality. and whose value is 6.022 into 10 टू टू इन टू टेन इज टू पार ट्वेंटी थ्री सो वट इज़ एवो गैड्रोज नंबर एवो गैड्रोज नंबर इज एक्चुअली अ तो यहाँ पर हमने ये मोल इक्वेशन को सिम्प्लीफाई कर दिया इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया अब दोबारा यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन में या तो गिवन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आपको निकालने होंगे और ये हमें पता है तो इन फाइव टर्म्स में से फाइव अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशंस में से हमारे पास ये दो चीज़ें नोन हैं और ये तीन अन नोन है फर्स्ट सेकेंड यूज कर सकते हैं हम इक्वेशन अगर तो आपको ये गिवन होगा ये निकालना होगा ये गिवन होगा तो ये निकालना होगा अगर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आप यूज़ करोगे ये यूज़ करना चाहते हो या क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि आपको ये यूज़ करना पड़े तो ये और ये हमें पता रहेंगे ये आपको गिवन होगा तो ये निकालना होगा और ये पता होगा तो ये निकालना होगा लाइक वाइज वी कैन यूज फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑल्सो सो दिस इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग सम सिंपल न्यूमेरिकल्स देन यू विल एक्सटेंड दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स इन सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर फोर्टी ग्राम्स ऑफ हीलियम एटम लेटस है लुक एट द इक्वेशन मोलर इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स वी हैव टू कैलकुलेट मीन्स एन नंबर ऑफ मोल्स वी हैव टू कैलकुलेट एन वी हैव टू कैलकुलेट एंड वट इज गिवन टू यू फोर्टी ग्राम्स ग्राम्स से हमें क्या पता चल रहा है कि दिस इज मास तो ग्राम्स मतलब मास हमें यहाँ पर ये मास गिवन है ये नहीं गिवन ये आपको याद होना चाहिए और ये गिवन भी होगा क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा होगा गिवन दैट हीलियम इक्वल्स टू फोर यू मतलब हीलियम का एटॉमिक मास आपको ऐसे गिवन होगा यू के टर्म्स में गिवन होगा ब्रैकेट्स में ये जो गिवन है दिस इज योर गिवन मास सो कीप ऑन पुटिंग द वैल्यूज तो एन इक्वल्स टू वी हैव रिटर्न दिस कंप्लीट इक्वेशन बट वट वी नीड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी नीड ओनली दिज टू थिंग्स ऑफ दिस इक्वेलिटी वन एंड टू पार्ट ऑफ इक्वेशन इज टू बी यूज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड सो बेटर नॉट टू राइट इट अब यहां पर हमने क्या किया नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन मार्क्स मास फोर्टी ग्राम्स एम फोर ग्राम्स दैट इज ग्रैम अटोमिक मास ऑफ हीलियम जो हमें याद होना चाहिए नहीं तो क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है आपको ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने फोर्टी बाई फोर कर दिया दैट इज इक्वल्स टू टेन मोल्स ये हमने निकाल लिया यहाँ पे हाँ स्टूडेंट दिस क्वेश्चन वॉज फॉर एटम्स नाउ लेटस है लुक एट एन अदर एग्जाम्पल दैट टॉक्स अबाउट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फॉर सम मोलिक्यूल इस मोलिक्यूल के लिए एटम में तो आपको सिंपल आपने हीम का लिख दिया फोर ग्राम्स अम ए मास याद है अब एच टू एस ओ फोर जैसा अगर मोलिक्यूल आपको मिलता है तब उसके मास के लिए हम क्या यूज करेंगे ग्राम मोलिक्युलर मास तो पहले आपको इसका मॉलिकुलर मास निकालना पड़ेगा और इसके मास को निकालने के बाद हम फिर आगे इक्वेशन में पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं एन निकालना है ये मास आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है

अगला एलिमेंट स्टार्ट हुआ तो मैंने यहाँ पे प्लस पुट कर दिया इन टू सल्फर के कितने आइटम्स हैं वन वन इन टू सल्फर प्लस ऑक्सीजन अलग आइटम शुरू हो गया तो मैंने प्लस का साइन लगाया ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हैं फोर तो मैंने फोर इनटू ऑक्सीजन कर दिया नाउ कीप ऑन पुटिंग द वैल्यूज फॉर द मासिज ऑफ ऑक्सीजन सल्फर एंड हाइड्रोजन एंड आफ्टर एडिंग अप ऑल द थिंग्स वी आर लेफ्ट विद मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी नाइनटी एट ग्राम्स एंड दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एच टू एसओ फोर एटॉमिक मास क्यों नहीं बोल रहे इसको हम क्योंकि ये एटम नहीं है ये मॉलिक्यूल है तो दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एच टू एस ओ फोर नाउ यूज दिस इक्वेशन एंड दिस विल बी यूअर एन इक्वल्स टू एम बाय एम एन बाय एन नॉट एन बाय एन नॉट नॉट टू बी यूज बिकॉज दिस इज ऑफ नो यूज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एन इक्वल्स टू गिवन मास इज नाइन पॉइंट एट एंड कैपिटल एम इज़ नाइनटी एट दैट वी हैव कैलुलेट सो वी हैव वन बाई टेन मोल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स नाउ लेट रिवर्स द सिचुएशन स्टूडेंट्स कि अब हमारे पास मोल्स का नंबर है बट हमने क्या निकालना है उससे मास निकालना है मोल्स और मास का ही रिलेशन हमने यूज करना है तो इक्वेशन में हम यही वाला पोर्शन यूज़ करेंगे एन इक्वल्स टू एम बाई एम तो मोल्स कितने हैं मेरे पास फाइव मास मेरे को निकालना है ये मेरे को निकालना है क्वेश्चन मार्क में अब मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से कर रही हूँ मैं एन इक्वल्स टू ये और एम इक्वल्स टू एम पुट नहीं कर रही वो आप लोग खुद लिखोगे आप और कैपिटल एम सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है ट्वेंटी थ्री ग्राम्स या फिर आपको क्वेश्चन में वो ब्रैकेट में गिवन भी हो सकता है ट्वेंटी थ्री यहाँ पर मैंने पुट कर दिया और मास मैंने निकाल लिया दिस इज एक्चुअली स्मॉल एम तो मास मैंने निकाल लिया इक्वल्स टू वन वन फाइव ग्राम्स ऑफ किसका है सोडियम ऐटम्स का तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मास नेक्स्ट इज नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेट मास ऑफ पॉइंट वन मोल ऑफ सी ओ टू अर्लियर वी हैव एटम्स नाउ वी हैव मॉलिक्यूल्स द प्रॉब्लम्स वी आर डिस्कसिंग इज कैलकुलेशन ऑफ ईदर नंबर ऑफ मोल्स और मास

सी ओ टू का मास मुझे पता है दैट इज फोर्टी फोर एंड हाउ डू यू कैलकुलेट वन इंटू कार्बन प्लस टू इंटू ऑक्सीजन कार्बन के एक एटम का मास ट्वेल्व होता है ट्वेल्व यू और ऑक्सीजन के एक एटम का मास सिक्सटीन तो दैट विल बी ट्वेल्व प्लस थर्टी टू दैट इज इक्वल टू फोर्टी फोर ग्राम्स नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन टू यू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर यूजिंग second and third portion of our equation what was the second and third portion of equation this second and third portion of equation now to be used earlier we were talking about n and m number of mole and mass now we are talking about mass and number of particles so let us use this second and third portion m and n so we have number of particles with us this is given to us and mass this we have to calculate

नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर 1.7 पॉइंट सेवन ग्राम्स ऑफ अमोनिया एन एच थ्री अभी हम क्या निकाल रहे थे मास निकाल रहे थे हम इतने एटम्स का हाइड्रोजन के लिए अब मेरे को क्या करना है अब मैं उल्टा कर रही हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे को निकालने हैं अभी तो मैंने दो क्वेश्चन जो करे थे मैंने मास निकालने वाले करे थे अब मैं क्या कर रही हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं मेरे को और मास गिवन है ठीक है उल्टा क्वेश्चन है पहले वाले का दोबारा देखो पहले क्या था मास निकालना था और पार्टिकल्स गिवन थे और अब मेरे को क्या करना है पार्टिकल्स निकालने हैं मास गिवन है तो एन निकालना है मेरे को और मास क्या है वन पॉइंट सेवन अमोनिया का मास मॉलिकुलर मास हम पुट करेंगे विच इज़ सेवेंटीन तो क्वेश्चन क्या बना मेरा स्मॉल एम इज वन पॉइंट सेवन Capital M. Molar mass of ammonia is 17. Number of particles I have to calculate, and Avogadro's number is given to us. So you calculate the number of particles. This get cancelled. One by 10 and N equals to 6.022 into 10 raised to power 22. And molecules of molecules of ammonia NH3. Because here what was given NH3. तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मीन्स अगर एटम होगा तो एटम लिख दिए जाएंगे एन एच सी इज मॉलिक्यूल सो वी विल यूज़ मॉलिक्यूल नेक्स्ट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटीन पॉइंट ज़ीरो सिक्स सिक्स अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं अभी हमने क्या किया था नंबर ऑफ पहला क्वेश्चन था मास और पार्टिकल के बीच में रिलेशन दूसरा क्वेश्चन भी यही था मास और पार्टिकल के बीच में रिलेशन उससे पहले हमने इसके और इसके बीच में रिलेशन निकाला था अब हम क्या कर रहे हैं अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें गिवन है तो मैंने क्या किया अब नंबर ऑफ ये जो पार्टिकल्स हैं ये इक्वेशन यूज़ करी फर्स्ट और थर्ड पोर्शन ऑफ इक्वेशन यूज़ किया मैंने फर्स्ट और थर्ड कैसे था वो क्योंकि ये है आपकी इक्वेशन मैंने ये और ये यूज़ कर लिया नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ये और ये यूज़ कर लिया अब मैं क्या यूज़ कर रही हूँ अब मैं ये और ये इक्वेशन का पोर्शन यूज़ कर रही हूँ तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पार्टिकल का नंबर मेरे को गिवन है और एन नॉट एवोगैड्रो नंबर ये है आपका यू कीप ऑन पुटिंग द वैल्यूज एंड यू विल गेट दिस थर्टी मोल्स ऑफ क्लोरीन सो एन इज़ 18.066 इट इज गिवन टू यू इफ़ इट इज़ नॉट गिवन देन नंबर ऑफ मोल्स विल भी गिवन टू यू सो दैट यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आउट ऑफ

हाफ है थ्री पॉइंट जीरो वन वन इन टू टेन रेज टू पार ट्वेंटी थ्री इसका डबल है ट्वेल्व पॉइंट ज़ीरो फोर फोर इन टू टेन रेस टू पार ट्वेंटी थ्री तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं